माँ वह शब्द है जो प्रथम गुरु है। माँ अपने लाल को हर आपदा से बचाती है। गुरु की अनंत महिमा का बखान वेद और पुराणों में किया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के धाम में गुरु पूर्णिमा के मौके पर भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। भक्त माँ के दर्शन कर उनकी कृपा पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। माँ की कृपा से भक्तों को वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी वह कामना करते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रथम गुरु माता कही गई है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जगत जननी माता विंध्यवासिनी के धाम में भक्तों का मेला लगा रहा। माँ के दर्शन करने के लिए दूर दराज से पहुँचे लोगों को मंदिर में जाने के लिए लंबी लाइनों का सहारा लेना पड़ रहा है। सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। मौसम ने भी भक्तों को राहत देने के लिए रात में जमकर बरसात हुई। आसमान में घिरे बादल और ठंडी हवा के झोंके भक्तों को राहत दे रहे हैं। माँ के धाम में कॉरिडोर निर्माण के चलते कच्ची जमीन और मिट्टी के बीच भक्त माँ के दर्शन करने के लिए लालायित है। हाथ में पकड़े चुनरी में बंधी पुष्पमाला प्रसाद नारियल दिल में माँ की पुकार है। भक्त बस आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन अर्चना करने के लिए बेताब है। गुरु की कृपा से भव सागर को पार करने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मंगल कामनाओं के बीच भक्त जयकारा लगाते हुए माँ की मनोहारी छवि अपने हृदय पटल पर अंकित कर लेना चाहते हैं। आशुतोष मणि त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं आपके, कौन सा पर्व है आज? गोरखपुर से आए हैं और आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है इसलिए माँ का दर्शन करने आए हैं। कैसा लगा मुझे चला चला? बहुत बढ़िया लगा। दर्शन हो गया अच्छे से? जी। हमारा सर लक्ष्मी शरण सिंह नाम है। लक्ष्मी शरण जी कहाँ दर्शन करने, कौन सा पर्व है सर? आज गुरु पूर्णिमा है। हम तो वैसे हर पूर्णिमा को दर्शन करने आते हैं लेकिन आज गुरु पूर्णिमा हो जाने से इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ आने से माँ विंध्यवासिनी मानो सारे संसार के गुरु हैं, इनका भी दर्शन हो गया और पंडा महाराज जी लोग हैं जो हमारे वे भी गुरु हैं, ज्ञान मार्ग सिखाते हैं, उनका भी दर्शन हो गया। हमारे पास जो कुछ रहता है श्रद्धा भक्ति से उनको दक्षिणा दे दिए, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा तो ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम जगह तो यहाँ स्पेस तो हो गया, नहीं खड़ा होने के लिए जगह नहीं थी। गुड्डू सिंह। गुड्डू जी कहाँ दर्शन करने आए, कौन सा पर्व है? आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए यहाँ माता के दरबार में आए थे गंगा स्नान करने के लिए।